Well, hello students. I welcome you all on the channel of BKG Classes Khargone. Okay, in the previous lecture we have studied about the introduction and the characteristics of the chemical reactions. Now we are going to study about the how to write the reaction, what all the things we have to remember or क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए टू राइट द केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू बैलेंस देम. बैलेंसिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो आज हम सीखेंगे कैसे रिएक्शन को लिखना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और कैसे उनको बैलेंस करना. चलो हम पहले केमिकल रिएक्शन को लिखना सीखते हैं, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन लिखेंगे कैसे. अच्छा, कितने टाइप, मतलब कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं वाइल राइटिंग द केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले होता है बेटा वर्ड फॉर्म. वर्ड फॉर्म, ठीक है. वर्ड फॉर्म का क्या होता है, वर्ड फॉर्म में होता है जैसे हमने लिखा कि कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन, इट इज वर्ड फॉर्म. ओके, वर्ड फॉर्म है, वर्ड इक्वेशन अलग हो जाएगा. तो कंबशन ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, कंबशन किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स CO, इट इज द वर्ड फॉर्म. ओके, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, सो वर्ड इक्वेशन की बात करें हम अगर, तो वर्ड इक्वेशन कैसे होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाई ऑक्साइड. ओके, सो दिस इज हाउ वी राइट द रिएक्शन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वी हैव टू राइट देयर फिजिकल स्टेट्स ऑल्सो. ओके, द कार्बन इज इन द सॉलिड फॉर्म, तो वी राइट एस, एस फॉर सॉलिड. ऑक्सीजन इज इन द गैसियस फॉर्म, वी राइट जी. ओके, CO2 इज गैसियस फॉर्म, वी राइट जी. तो फिजिकल स्टेट्स हम लोग कैसे लिखते हैं, जब भी कोई सॉलिड है उसके लिए हम लिखते हैं एस, एस इज फॉर सॉलिड. जी, स्मॉल जी इज फॉर गैस. ओके, ए क्यू, ए क्यू का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब इन वाटर. जब भी कोई सॉल्यूशन वाटर के अंदर होता है उसको हम एक्वस कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट होता है सॉलिड, गैस, एक्वस, देन लिक्विड, एल इज फॉर लिक्विड. तो जो ब्रैकेट में लिखी हुई रहती है ये उनके फिजिकल स्टेट्स होती है, ठीक है. नाउ टू मोर थिंग्स, फर्स्ट अपवर्ड एरो. अपवर्ड एरो इट टेल्स अस अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. जब कोई गैस इवॉल्व होती है ये हमें उसके बारे में बताता है. जैसे यहाँ पे CO2 क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो हमें यहाँ पे कौन सा एरो लगाना है, अपवर्ड एरो. इट टेल्स अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है. जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था पुराना, HCl में हमने जब जिंक ग्रेनुल्स को डाला था तो क्या मिला था हमको, ZnCl2 एंड H2 गैस इवॉल्व हुई थी. तो H2 गैस क्या हो जाएगी, आपको इसे इवॉल्व होती दिखेगी, ठीक है. तो HCl किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है. Zn किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है. ZnCl2 आपको फिर से एक्वस मिलेगा एंड H2 क्या मिलेगा, गैस. और दिस एरो इंप्लाइज, दिस एरो टेल्स अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. तो अपवर्ड एरो का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस. एंड द डाउनवर्ड एरो जो होता है, डाउनवर्ड एरो क्या दिखाता है हमें, प्रेसिपिटेशन, जब भी कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम डाउनवर्ड एरो, क्योंकि वो इसका मतलब देखो कॉमन सेंस है, गैस कहाँ जाती है, हमेशा ऊपर, ऊपर की तरफ जाती है, और प्रेसिपिटेट हमेशा डाउनवर्ड सेटल होता है, बिकॉज
प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इंसॉल्युबल सॉलिड, और अगर इंसॉल्युबल सॉलिड है तो ग्रेविटी की वजह से वो कहाँ जाता है? डाउनवर्ड सेटल हो जाता है, बीकर में या फिर टेस्ट ट्यूब में, जिस भी वेजल में हमने उसको रिएक्शन करवाई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन को लिखने में। तो एक केमिकल रिएक्शन हम और देखते हैं जिससे हम थोड़ी और चीज़ें समझते हैं कि क्या होता है। तो राइटिंग कैसे लिखना चाहिए, ये जो फॉर्म होता है ये वर्ड फॉर्म हो गया, ये हो गई वर्ड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड स्केलेटन फॉर्म। ये होता है स्केलेटन फॉर्म, दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड इक्वेशन। ठीक है, हम कोई रिएक्शन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि व्हेन देयर इज अ कंबशन ऑफ कार्बन टेकिंग प्लेस, तो कंबशन ऑफ कार्बन में क्या होगा, कार्बन किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ, क्या हमें मिलेगी, लिबरेट होते हुए क्या दिखेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हो जाता है आपकी इक्वेशन, इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन में कुछ चीजें और देखने की है, वो देख लेते हैं हम लोग। आपने रिएक्शंस के आगे 2 और 3 लगे हुए देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो कॉफिशियंट्स हैं ये क्या होते हैं और क्या शो करते हैं, चलिए एक रिएक्शन देख लेते हैं। एक रिएक्शन से हम लोग और भी जो इसकी टेक्निकलिटीज होती है उसके बारे में हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन लिखी हमने N2+3H2 ≡ 2NH3। ठीक है, ये अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, इसको हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। ये क्या है, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए होती है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये जो 3 यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, एक्चुअली में 3 moles ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 1 mole ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी 1 mole ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 3 mole ऑफ हाइड्रोजन गैस, बोथ दिस कंबाइन टू फॉर्म 2 moles ऑफ अमोनिया। तो ये जो 1, 3 and 2 दीज आर ऑल द मोल्स, इतनी क्वांटिटी इनकी यू नो रिएक्ट करके इतना प्रोडक्ट बना रही। अच्छा, इनको कहते क्या है, दे आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशियंट्स, इन्हें हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशियंट्स कहते हैं। दिस इज द स्टोकियोमेट्री। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री। ये रिएक्शन जो है ये पूरी आपकी, देखो इसमें ये जो रिप्रेजेंट कर रही है मोल्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशियंट्स। मतलब अगर आपको देखना है कि अगर आपने सपोज 1 mole नाइट्रोजन गैस का लिया है तो आपको 3 mole हाइड्रोजन के लेना पड़ेगा, तब जाके आपका 2 mole अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो राइटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये है। अच्छा, इनके फिजिकल स्टेट देखो, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, अमोनिया भी क्या है, गैस। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है, अब हम बैलेंस पार्ट पे जोर देते हैं कि बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो क्लास 9th में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखे थे। सो देवर 2 laws ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, उसमें से फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या मतलब होता है, इसका स्टेटमेंट क्या था इसका, इट मींस द मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉ बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन N2+H2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इनका कुछ मास कम हो जाएगा या ये दोनों ऐड हुए तो इनका कुछ मास बढ़ जाएगा। अगर आप इसको वे करोगे, ठीक है, अगर आप इसको वे करोगे तो जितना मास रिएक्टेंट साइड में है, जितना मास आपका रिएक्टेंट साइड में है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट साइड में होगा।
जितना मास आपका रिएक्टेंट साइड में है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होगा, और यही आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब इसी की तर्ज पे हमको यहां पे करना है। अब सपोज हम इन सब को हटा दें, हम इन कोफिशियंट्स को अगर हटा दें तो हम एटम्स की बात करें तो ध्यान से देखो, यहां पर नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, और यहां पे कितने एटम्स हैं, वन एटम। यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, टू हैं। यहां पर कितने हैं, थ्री। तो आप देखो ये खुद बैलेंस नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड क्या है, अनइक्वल, एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो उनका मास तो बट ऑब्वियस इक्वल नहीं होगा। तो ये जो है वो वॉयलेट कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो कभी क्वेश्चन आपको आए व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, तो जवाब क्या मिलेगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास प्रोड्यूस होगा ना मास डिस्ट्रॉय होगा, मतलब जितना मास रिएक्टेंट्स का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। मतलब अगर आप इनको मेजर करोगे, ठीक है, सपोज आप इनको मेजर करके रख रहे हो तो आपको बिल्कुल इक्वल मास मिलेगा किसका, अमोनिया का, जितना आपने रिएक्टेंट्स में लिया उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस हैं, हम लोग अब बैलेंस करना सीखेंगे। समझ में आ गया क्यों बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, अब बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। ओके, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, इनको हम बैलेंस करना सीखेंगे, हाउ टू बैलेंस देम। सबसे पहले देखिए, इसकी कोई एक परफेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड होती है, उसको आप बार बार यू नो जज करके ट्राई करके कई बार आप गलती भी करेंगे फिर उसको आप सही करने की कोशिश करेंगे, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी मेथड्स हैं इसकी, बट मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, आपको सिंपल बेसिक मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बैलेंस करना है रिएक्शंस को, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, सारी अनबैलेंस्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है, इनके आगे देखो कोई भी कोफिशिएंट्स नहीं है, तो एक एक करके हम इनको बैलेंस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन। ओके, चलिए फोकस करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, कोई भी रिएक्शन आपको दिख रही है उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, ये प्रॉब्लम आती है हमें कभी कभी कि सर इसके आगे टू लगा दे क्या, फिर ऐसे नहीं, सबसे पहले फोकस करो कि सबसे ज्यादा एटम्स कौन से कंपाउंड में है, ठीक है। जैसे पहली रिएक्शन में देखो मुझे दिख रहा है Fe2O3 में ज्यादा एटम्स है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसमें भी देखो जो आयरन है, आयरन के आगे आप कुछ भी लगा सकते हो, तो आयरन तो फ्री है, सबसे लास्ट में हम आयरन को बैलेंस करेंगे, पहले हम कोशिश करेंगे किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। आपको हमेशा प्रॉब्लम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही पहुंचाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखो मल्टीपल होते हैं, देखो यहाँ पे थ्री है, ट्वाइस थ्राइस लगा है, ट्वाइस लगा है, देखो यहाँ पे कितना है इसका अमाउंट। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मोल, कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, थ्री। यहाँ पे कितने, देखो एक बार रिएक्टेंट में बैलेंस करना है, एक बार रिएक्टेंट में बैलेंस करना है, फिर प्रोडक्ट में जाना है, फिर दोनों को चेक करना है, इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कितने आइटम है, थ्री आइटम है ऑक्सीजन के, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई होगा इसमें, सपोज यहाँ पे अगर आपने थ्री लगाया है, इसका मतलब थ्री टू जा सिक्स क्या हो गए, हाइड्रोजन, और थ्री वन जा थ्री क्या हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। तो अभी आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए, थ्री, हाइड्रोजन कितने हो गए, थ्री टू जा सिक्स, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, सिक्स। अब प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन देखो कितने हैं, टू, तो किसका मल्टीप्लाई कर दें, तो सिक्स हो जाएगा ऑब्वियसली थ्री का, तो थ्री टू जा सिक्स, ठीक है। तो अभी देखो ऑक्सीजन बैलेंस है, थ्री ऑक्सीजन, थ्री प्रोडक्ट साइड में, हाइड्रोजन थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है। अब आयरन देखो यहाँ पे कितने आइटम हैं इसके, टू, तो इसके आगे क्या लगा देते हैं हम लोग, टू। तो अब देखो ये पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस है। अब हर एक एटम को देखो, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट
शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट. मतलब हर एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट में हैं उतने ही कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट में. अच्छा, हम एक छोटी सी टेबल बना के देखते हैं तो कंपेरिजन हो जाएगा आपका. जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट्स में कौन कौन है, आयरन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन. इस तरीके से देखें, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है. तो ये रिएक्टेंट्स में, ये रिएक्टेंट्स में और ये प्रोडक्ट्स में. अभी देखो कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट में. ऑक्सीजन के कितना एटम है, टू, सॉरी आयरन के कितना एटम है, टू, तो हम ये लगा देंगे टू, ठीक है. प्रोडक्ट में कितने हैं, टू. और हाइड्रोजन देखो, थ्री टू सा सिक्स, इधर देखो थ्री टू सा सिक्स. ऑक्सीजन को देखो थ्री, और यहां पर भी कितने हैं, थ्री एटम. एटम को देखना है आपको, एटम कितने हैं, देखो ऑक्सीजन के थ्री एटम्स, यहां पे भी कितने हैं, थ्री, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एटम. तो अभी ध्यान से देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है आपको. अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने रिएक्टेंट में एटम्स हैं हर एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट में एटम्स. तो दिस इज हाउ द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज रिटन. व्हाट इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अभी क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट. हर एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही किस में होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी बैलेंस. तो समझ में आया, पहली रिएक्शन देखी हमने, कहाँ पे अटैक किया हमने, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसको पहले बैलेंस किया, ठीक है. चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. तो अब आपको दिख ही रहा होगा पूरी रिएक्शन में सबसे ज़्यादा किसके पास एटम्स हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर. इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हम लोग. अच्छा पहले देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, थ्री, यहाँ पर हाइड्रोजन टू, एल्यूमिनियम कितना है, वन. अच्छा एल्यूमिनियम के आगे आप जैसे आयरन के आगे हमने कितना भी लगा सकते हैं, सबसे लास्ट में हम एल्यूमिनियम का कंसर्न रखेंगे, ध्यान देंगे वहाँ पे. चलो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, थ्री, यहाँ पर कितनी है, वन, ठीक है. तो सपोज हम अगर यहाँ पर थ्री लगा दें, ठीक है, सपोज अगर यहाँ पर थ्री लगा दें तो अभी हाइड्रोजन कितने हो गए, थ्री टू सा सिक्स, और यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, थ्री, ऑक्सीजन कितने हैं, थ्री, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, थ्री. मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, थ्री टू सा सिक्स, और यहाँ पे कितने हैं, थ्री ये और टू ये, कितने हो गए, फाइव, ठीक है. मतलब प्रॉब्लम है, सबसे पहले कोशिश ये करा करो कि सारे इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. जैसे इस थ्री का मल्टीप्लाई आप टू से कर दोगे यहाँ पे, तो सभी इवन नंबर में कन्वर्ट हो गया. अभी देखो ऑक्सीजन भी इवन नंबर में कन्वर्ट हो गया, थ्री टू जा सिक्स, हाइड्रोजन भी इवन नंबर में कन्वर्ट हो गया. तो इवन नंबर में जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसको आसानी हो जाती है आपको. तो आपने यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, थ्री टू जा सिक्स, तो अगर सिक्स ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे लगाते हैं सिक्स, ठीक है. ऑक्सीजन कितनी है, थ्री, थ्री तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, तीन ऑक्सीजन भी है तीन हाइड्रोजन भी है, तो थ्री तो ये और टू का ये मल्टीप्लाई, तो टोटल कितने हो गए सिक्स, तो हमने सिक्स लगा दिया. अभी देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, सिक्स टू सा ट्वेल्व, ठीक है, ट्वेल्व हो गए रिएक्टेंट्स में. प्रोडक्ट में हाइड्रोजन को देखते हैं तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, थ्री टू सा सिक्स एंड टू, ठीक है. तो अगर यहां पे हम थ्री लगा दें, अब देखो इसको ध्यान से, अब हाइड्रोजन कितने, थ्री टू सा सिक्स एंड थ्री टू सा सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, और इधर कितने, सिक्स टू सा ट्वेल्व, बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन कितने हैं, सिक्स, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है देखो ध्यान से, थ्री इंटू टू सिक्स, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप बैलेंस कर चुके हो, ठीक है. अब ध्यान से देखो एल्यूमिनियम की अगर आप बात करें तो एल्यूमिनियम कितने यहाँ पर, टू, तो एल्यूमिनियम के आगे टू लगा दो. आए समझ में, हो गया बैलेंस. अटैक कहाँ पे किया हमने, जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं वहां पे अटैक किया. क्लियर है क्या, ओके. नेक्स्ट देखो Na प्लस H2O, 2NaOH H2, ठीक है, एक रिएक्शन है. अभी
अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो यहाँ पर वन ऑक्सीजन, इधर भी वन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर टू, तो यहाँ भी टू और वन, यहाँ पर आप क्या हो गया, थ्री हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है प्रोडक्ट साइड में, टू प्लस वन थ्री, सोडियम वन वन, मतलब कुल मिला के बात इतनी सी कि हाइड्रोजन तकलीफ। मैंने आपको क्या बोला, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यही आपको थोड़ा प्रॉब्लम देंगे। चलो अभी काम करते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले इसको इवन में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ट्वाइस लगा दूं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, टू प्लस टू फोर, ऑक्सीजन कितनी हो गई टू, क्लियर है। तो सबसे पहले इवन नंबर में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। अभी हाइड्रोजन कितने हैं, टू एंड टू फोर, तो हम यहां लगा देते हैं टू, ठीक है। तो ऑक्सीजन अभी कितनी हो गई देखो आपकी, टू इंटू ऑक्सीजन, तो कितना हो गया टू ऑक्सीजन, यहां पर भी टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टू टू सा फोर, तो हाइड्रोजन यहां पर भी टू ये फोर, कंप्लीट है। सोडियम कितने यहां पर टू, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे टू, आए समझ में। इस तरीके से करना है आपको, जैसे आप उसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर लोगे तो यहां पे अक्सर डायटोमिक जो होते हैं उनसे सॉल्व करने में हमको आसानी पड़ जाती है। क्लियर हो गया क्या, चलो अब यहां पर आते हैं लास्ट वन। इसको आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि स्टार्ट कहां से करना है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स इधर है, सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। अच्छा SO4 यहां पर कितने हैं, SO4 एक पूरी क्वांटिटी है, SO4 एक एनायन है। इसको देखो SO4 कितने यहाँ पे, थ्री एटम्स हैं SO4 के, ठीक है। तो यहाँ पर SO4 है तो हम यहाँ पे थ्री लगा देते हैं इसके आगे। जैसे ही हमने यहाँ पे थ्री लगाया तो कितना हुआ, बेरियम थ्री हो गया और SO4। अभी सबसे पहले बैलेंस कौन हुआ आपका, SO4। जैसे ही आपने SO4 के आगे BaSO4 के आगे थ्राइस लगाया, अब बेरियम हो गया थ्री। तो बेरियम देखो रिएक्टेंट्स में कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहां भी लगा हुआ आप थ्री, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहां पे थ्री लगाया, क्लोरीन आपका डबल हो गया, थ्राइस हो गया। क्लोरीन कितना हो गया, थ्री टू सा सिक्स, कितना हो गया थ्री टू सा सिक्स। अच्छा सिक्स करना है तो इस क्लोरीन के आगे क्या लगा होना चाहिए, टू, ठीक है। यहां पे जैसे ही आप टू लगाओगे तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले बेरियम को अगर हम इनकी लिस्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोरीन एल्यूमिनियम SO4, सल्फर ऑक्सीजन भी आएगा बट हम SO4 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो रिएक्टेंट्स में कितने हैं ये और प्रोडक्ट्स में कितने हैं, रिएक्टेंट में बेरियम कितने हैं थ्री, प्रोडक्ट में कितने हैं थ्री, क्लोरीन कितने हैं थ्री टू सा सिक्स, यहाँ कितने हैं थ्री टू सा सिक्स, ओके। एल्यूमिनियम के एटम्स कितने हैं यहाँ पे टू, और यहां पर कितने हैं टू, देखो ध्यान से Al2 SO4 थ्राइस, यहां पर भी टू है, SO4 यहां पर कितने हैं थ्री, और इधर भी कितने हैं थ्री, तो देखो बैलेंस हो क्या। सभी को देखो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सेम आ रहे हैं ना, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्या होगा आपका, बैलेंस हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस, क्लियर है, आपको समझ में आना चाहिए। और आपकी बुक में आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे डायरेक्ट, आपको वर्ड फॉर्म में दिए होंगे, फिर उस वर्ड फॉर्म से आपको कभी कभी इस स्केलेटन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, देन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूलास बनाते आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको वीडियो नंबर क्लास नाइन्थ के चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर के वीडियोस जरूर देख लेना, फॉर्मूलास बनाते आना चाहिए बेटा, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको डायरेक्ट आपको अगर दे दिया जाए उन्होंने वर्ड फॉर्म में, अब उसको स्केलेटन में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग पार्ट था, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन।